अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम एहसान दानिश है और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकअप बना सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्पीड एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और SEO के लिए। स्पीड हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की करंट स्पीड क्या है और उसको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या है। मैं अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करूँगा। बेसिकली इसको चेक करने के लिए यहाँ पे दो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक सबसे मोस्ट पॉपुलर GT मैट्रिक्स और सेकंड वन इज गूगल पेज स्पीड। ओके, ये दो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL एंटर करेंगे। नॉर्मल क्लाइंट्स इसी के थ्रू अपनी पेज स्पीड इंक्रीज़ करवाते हैं कि यहाँ से स्कोर्स देख के कि इतना स्कोर अभी करंट है तो आपने इस स्कोर को इतना करके देना है मुझे। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अभी चेक कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के लोडिंग टाइम। थोड़ा सा वेट करेगा, इसने हमारी वेबसाइट पैच कर ली है। तो अब ये बेसिकली हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम चेक कर रहा है और ये दूसरा टूल भी हमने चेक किया है कि इसकी लोडिंग स्पीड क्या है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही कम पेज स्कोर है, बहुत कम, 5%, 57%, 7 सेकंड लोडिंग टाइम है हमारी पूरी वेबसाइट का। तो अभी हम देखते हैं इनको किस तरह से इंक्रीज़ करना है और क्या करना है इसके साथ। तो हमें अभी तक पता चल गया कि हमारी करंट स्पीड ये है। उसके बाद सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि हमें कुछ प्लगइन्स की मदद लेनी पड़ेगी इनको अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन्स पे जाने से पहले मैं कुछ और टिप्स आपको दे दूँ कि सबसे पहले तो आप यहाँ अपनी पोस्ट के अंदर आएँ। पोस्ट के अंदर आने के बाद जितनी भी फालतू पोस्ट हैं या ट्रैश के अंदर पोस्टें पड़ी हैं या फिर ऐसी पोस्ट जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे या वो बिल्कुल फ्री के लिए पोस्ट हैं, तो उनको भी आप क्या करें, उनको वो करें, आप डिलीट कर दें। ओके, डिलीट करने के बाद, उनको डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फालतू पोस्टें पड़ी हैं तो मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा। या जो भी मैं डिलीट करना चाहूँ, यहाँ पे आपके पास जो भी फालतू पोस्टें हों वो आप डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप आए मीडियाज़ में, लाइब्रेरीज़ के अंदर, जो भी ऐसी इमेजेस जो आपके यूजेज में नहीं है या आपकी वेबसाइट में वो यूज़ नहीं हो रहे, उन तमाम को डिलीट कर दें आप। यहाँ पर देखिए कितनी सारी फालतू इमेजेस या वीडियोज़ पड़ी हैं जो हमारे काम में नहीं आ रहे, उन सबको आप क्या करें, डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, यहाँ पे जो आपके पास फालतू पेजेस बने हुए हैं वो पेजेस डिलीट कर दें। सबसे पहले जो भी फालतू पेजेस जो आपके लिए यूज़ में नहीं और वैसे ही फजूल बने हुए हैं, जिस तरह ये हमने स्लाइडर का बनाया था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो ऐसे तमाम पेजेस जो आपके यूज़ में नहीं हैं उनको डिलीट कर दें। उसके बाद आप आ जाए अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर। थीम्स में आने के बाद यहाँ पे देखें जितने भी इंस्टॉल्ड थीम हैं, जैसे ये तो हमारा करंट यूजेज है में है, ठीक है, बाकी जितने भी फालतू वो हैं थीम्स, उनको इस तरह से डिलीट कर दें आप। ओके, इस तरह से उन तमाम थीम्स को जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ये वाले जो आप यूज़ कर रहे हैं बस उसी को रखें। ओके, उसके बाद आप क्या करना है, प्लगइन्स में आना है, प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, और यहाँ पे जितने भी फालतू प्लगइन्स हैं जैसे ये इन्वेटो मार्केट प्लेस हो गया, इनको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देना है हमने परमानेंटली ही। ओके, जितने भी फालतू प्लगइन्स हैं जो आपके यूजेज में नहीं है उन सबको डिलीट कर दें परमानेंटली। ये डिलीट होने इनएक्टिव होने के बाद इनएक्टिव में आ जाते हैं और फिर यहाँ से आप इनको परमानेंट डिलीट कर दें। ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद, उसके बाद आप
प्लगइन ऐड न्यू में आए और कुछ प्लगइन्स मैं बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट स्पीड पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला प्लगइन हमारे पास आता है डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज। ओके, तो इस प्लगइन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये प्लगइन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया और इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही एक्टिवेट होता है तो कहाँ गया इसको हम देखते हैं ज़रा। ये देखें डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजर पे क्लिक करना है हमने। ओके, तो यहाँ पे देर आज नो शेड्यूल ऑप्टिमाइज, शेड्यूल क्लीन डिसेबल, ठीक है, एक्टिवेट एक्टिव इंस्टॉल प्लगइन, अच्छा सॉरी इनेबल शेड्यूल। तो इसको आप ऑटो शेड्यूल पे लगा दें, ये ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, आपका जो ये प्लग इसको आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता रहेगा। ओके, इसको आपने इस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। नेक्स्ट प्लगइन हमारा जो है वो है डब्ल्यू पी टी थ्री टोटल कैश, बहुत पॉपुलर प्लगइन है ब्लॉगर्स के लिए। तो इसको हम किस तरह से सेटिंग करेंगे, इसको ऐड करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट करेंगे और फिर इसके कुछ सेटिंग्स हैं उनको हम देखेंगे। ये प्लगइन है तो यहाँ पे देखें 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इस प्लगइन की, तो इसे पता चल रहा है बहुत पॉपुलर प्लगइन है और बहुत सही प्लगइन है। तो ये W3 टोटल कैश हमने इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे कहाँ गया W3 टोटल कैश, तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज। उसके बाद कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसी तरह से वो सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास यहाँ पे जर्नल सेटिंग, ये परफॉर्मेंस में डैशबोर्ड और जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग्स के अंदर आके हमारे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पे पेज कैश इसको इनेबल कर देना है और सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मिनीफाई आपने इनेबल कर लेना है। अभी के लिए इसको रहने दें, कट कर दें इसे, डू इट फॉर मी। ठीक है सॉरी, ये प्लगइन, ये जो फीचर है ये हमारे प्रीमियम सपोर्ट के अंदर हमें, अगर हम ये प्लगइन बाय करते हैं तब ये हमें मिलेगा, तो इसको अभी के लिए रहने दें। उसके बाद इसको इनेबल कर लें आप, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दें सेव सेटिंग एंड पर कैश। उसके बाद इसको भी इनेबल रहने दें और यहाँ पे ये इसको भी इनेबल करें और यहाँ पे सेव सेटिंग एंड पर कैश पे क्लिक कर दें। ब्राउज़र कैश को लाजमी आपने इनेबल करना है। उसके बाद अगर आपके पास CDN है उसको भी इनेबल कर दें और यहाँ पे उसको सेव एंड पर कर दें। ये इस प्लगइन की इस वाली जनरल सेटिंग्स है। उसके बाद पेज कैश में अगर हम आ जाएँ बात करें तो यहाँ पे देखें कुछ सेटिंग्स हैं हमारे पास, तो इनको इस तरह से आपने बिल्कुल सेटअप पे रहने देना है, ठीक है। पेज कैशे में हमारे पास जो ऑप्शंस हमने सिलेक्ट करने हैं वो वाले ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे, बल्कि ये बिल्कुल ठीक सेटिंग्स हैं, इनको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे सेव सेटिंग्स एंड पर कैश कर देना है। उसके बाद हमने बात आ जाती है डेटाबेस कैश की। यहाँ पे आपने ये भी बेसिकली बिल्कुल ठीक है, इसको इसी तरह रहने देना है। आपने ऑब्जेक्ट कैश में जाना है आपने,
और आई थिंक ये भी बिल्कुल ठीक है। ब्राउज कैश में को भी बिल्कुल ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ ये इनकी सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, जिस तरह से प्लगइन अपडेट होता रहता है। तो आप इसकी सेटिंग्स क्या क्या करनी है वो आप मैं न्यू लेक्चर्स लेके आता रहूँगा कि जब भी कोई चीज़ अपडेट होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा कि क्या चीज़ इनेबल करनी है और क्या चीज़ डिसेबल करनी है। ओके, इस प्लगइन के बाद एक और इम्पोर्टेंट प्लगइन हमारे पास आता है, उसका नाम है WP Smush। तो हम यहाँ पे वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं WP Smush। तो ये देखें, ये वाला हमारे पास आ चुका है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। बेसिकली ये प्लगइन क्या करेगा, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अगर वो 100-100 एक MB या 2-2 MB की इमेजेस हैं तो उनको उनका साइज़ कम कर देगा ताकि उनकी लोडिंग टाइम बढ़ जाए, आराम से वो जल्दी से लोड हो सके। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा स्मश के नाम से। इसको हमने सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से जितनी भी हमारी इमेजेस हैं उनको स्मश कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, बल्क स्मश नाउ पे क्लिक कर देना है और तमाम इमेजेस को ये ऑटो स्मश करता रहेगा। ओके, इसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है खुद ही। तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, हम बाद में इसको चेक करेंगे। ओके, तो ये एक और प्लगइन हो गया। उसके बाद हम बारी आ जाती है क्लाउडफ्लेयर की। अगर आपने वेबसाइट पे क्लाउडफ्लेयर ऐड नहीं किया, बेसिकली क्लाउडफ्लेयर हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसको बेसिकली हम CDN कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो इसको हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह से सेटअप करेंगे, उसको सेटअप करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। वेबसाइट का ये नाम है, हम यहाँ पे cloudflare.com के ऊपर आएंगे, यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद, साइनअप करने के बाद फ़ौरन से ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। तो वेबसाइट ऐड होने के बाद ये हमें ले जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो हम यहाँ पे जितनी चाहे अपनी वेबसाइट से ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आपकी वेबसाइट्स हैं तो एक से ज़्यादा आप यहाँ पे वेबसाइट्स अपनी ऐड कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा लोड लेगा, टाइम लेगा। तो इसने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने फ्री पे क्लिक कर देना और कन्फर्म प्लान पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से कुछ शो करेगा, हमने इसको बिल्कुल बॉटम पे आ जाना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने हमें दो नेम सर्वर्स दिए हैं, हमने इनको बारी बारी कॉपी करना है। पहले को कॉपी करना है और जहाँ से हमने डोमेन ली है वहाँ से अपने नेम सर्वर्स को अपडेट करना है। तो मेरी डोमेन जो है नेमचीप से है, ये रही मेरी डोमेन loveseek.website। यह मेरी डोमेन मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद बेसिकली मेरे जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स हैं यहाँ पे उनको मैंने अपडेट करना है। आपने कहीं से भी डोमेन ली है, चाहे वो GoDaddy है चाहे वो नेमचीप है, आप वहाँ पे जाके इन नेम सर्वर्स को रिप्लेस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है नेमचीप होस्टिंग, इसकी जगह पे आपने ये लिखना है और इसकी जगह पे आपने ये इनपुट करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी डोमेन को मैनेज करता हूँ, क्लिक किया मैंने
तो ये मेरी डोमेन आ गई। यहाँ पे देखें ये नेम सर्वर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं कस्टम नेम सर्वर्स लूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सॉरी यहाँ फर्स्ट वाले के अंदर, और सेकंड वाले को कॉपी करूँगा और सेकंड वाले के अंदर, और सिंपल इसको मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। ओके, तो ये मेरी वेबसाइट पे DNS कम्प्लीटली सही तरीके से इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को Cloudflare के अंदर एड अप कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आई होप इन प्लगइन्स के यूजेज के बाद आप अपनी वेबसाइट को एक सेकंड के अंदर अंदर ले आएंगे। तो इनको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और आपको जो भी रिज़ल्ट मिले आपने कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे कि क्या रिज़ल्ट्स आपको मिले हैं और क्या नहीं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप इसी तरह से सीखते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।